हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज हम बात करेंगे स्केल्स के बारे में और सिंपली हम उसमें क्या ड्रॉ करना सीखेंगे, सिंपल स्केल को ड्रॉ करना सीखेंगे आज। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे सिंपल स्केल का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक आउटलुक देखेंगे कि कैसे एक स्केल ड्रॉ करी जाती है, उसके बाद हम उसे एक क्वेश्चन के साथ उसका कैलकुलेशन करके एक स्केल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी स्केल को ड्रॉ करने के लिए एक 15 सेंटीमीटर और 6 इंच की लाइन खींचेंगे। अभी मैं ये बताऊंगी कि कब हम 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और कब हम 6 इंच की लाइन खींचेंगे, ठीक है। उस 15 सेंटीमीटर और 6 इंच की लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो ब्रेथ होगी, उसकी जो मोटाई होगी, वो 1 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने छोटी स्केल ले भी रखी है, 15 सेंटीमीटर की लाइन और 1 सेंटीमीटर की उसकी ब्रेथ, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है हमारी स्केल। अब वो डिवीजन कैसे हो रहा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, 0.5 होता है। तो इसको हम 0.5 में बांट लेंगे, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का हाफ करके एक और लाइन खींच देंगे, ठीक। तो ये हमारा आउटलुक है कि कैसे एक स्केल ड्रॉ करी जाती है, उसके लिए कैसे कैसे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने प्राइमरी स्केल ले रखा है और सेकेंडरी स्केल ले रखा है, ठीक है। अब ये मैं बताती हूँ प्राइमरी स्केल मैंने यहाँ क्यों लिया है। प्राइमरी स्केल पे जितनी भी बड़ी यूनिट्स होती हैं, जैसे किलोमीटर हेक्टोमीटर से बड़ी है, किलोमीटर हेक्टोमीटर से ऑब्वियसली बड़ी है, तो बड़ी यूनिट जितनी भी होती है वो हम लोग प्राइमरी स्केल्स पे लेते हैं, ठीक। और जितनी भी छोटी यूनिट होती है वो हम सेकेंडरी स्केल पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर हेक्टोमीटर से बड़ा है, या फिर कह लीजिए किलोमीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हम लोग किलोमीटर को हम लोग प्राइमरी स्केल पे लेंगे और जो छोटा है सेंटीमीटर उसे हम सेकेंडरी स्केल पे लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा आउटलुक कि कैसे स्केल बनती है, हम कहाँ पे कौन सी यूनिट्स को रखेंगे। अब आप लोग एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे कि यहाँ मैंने के एच डी एम डी सी एम क्यू लिखा है और यहाँ एम एफ वाई एफ आई क्यू लिखा है। बच्चों को ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम होती है कि जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ड्रॉ अ सिंपल स्केल ऑन आर एफ 1/1 लाख एंड शो किलोमीटर और हेक्टोमीटर, ठीक है। तो बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि उसको यही नहीं पता होता है कि 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच किलोमीटर्स, ठीक है, उसे ये नहीं पता होता है। तो इसके लिए कहीं आप उसे भूले ना, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं। आपको इतना तो लर्न करना पड़ेगा के एच डी एम डी सी एम, ठीक है। इतना अगर आप लर्न कर लेंगे तो इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, किसी ने आपसे पूछा 1 सेंटीमीटर में, मतलब 1 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ये रहा, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, किलोमीटर्स क्या रहा, ये रहा। तो किलोमीटर के आगे आप 1 लिखेंगे और सेंटीमीटर तक आप 0 लगा देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1, 2 हेक्टोमीटर के आगे 0 लगा दिया, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 किलोमीटर होते हैं, ठीक। ये हमने बात कर ली कि हम लोग कैसे, अगर हमें इसकी वैल्यूज पूछ ली गई, ठीक है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। अब एक और बात जान लीजिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक स्केल कहते हैं, MS मैट्रिक स्केल, ठीक है। अगर आपको कभी भी कोई पूछे कि मैट्रिक स्केल बताना है तो बताना किलोमीटर हेक्टोमीटर डेसीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर तक, ठीक, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर, ये हमारी जितना ये सब कुछ है ये सब हमारा मैट्रिक स्केल के अंतर्गत आता है, ठीक। और अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रॉ अ सिंपल स्केल ऑन आर एफ 1/1 लाख एंड शो किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर, अगर इनमें से कोई भी यूनिट, इस स्केल में से कोई भी यूनिट पूछी जाएगी, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर का यूज करेंगे, स्केल जो बनाएंगे वो 15 सेंटीमीटर की होगी, 0 to 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की होगी। अब ये दूसरी तरफ पढ़ते हैं, दूसरा ये है कि यहां जहां लिखा है एम एफ वाई एफ आई, ठीक है, ये जो है ये हमारी इंग्लिश स्केल होती है, इंग्लिश स्केल, ठीक। अब इसको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, 1, 8, 17, 60, फिर
50 टू 80 इस तरह करके आपको इसको पूरा इसी इसी टेबल के रूप में, इसी टेबल के फॉर्म में आपको इसको लर्न करना होगा। इससे ये होगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ड्रॉ अ सिंपल स्केल ऑन RF 1/7920 फॉर रीडिंग फरलॉन्ग एंड यार्ड्स, फरलॉन्ग और यार्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ मैं एक बार रीड कर देती हूँ अगर आपको ना पता हो। M फॉर माइल्स, F फॉर फरलॉन्ग, Y फॉर यार्ड्स, F फॉर फीट, I फॉर इंच। ठीक है, तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये इंग्लिश यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर आपको कभी भी पूछ लिया इनमें से कोई भी यूनिट अगर आपको आती है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों को वही दोबारा आएगी, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी ने पूछ लिया एक माइल में कितने इंच होते हैं तो उसे नहीं पता। ठीक है, एक इंच में कितने माइल्स होते हैं उसे नहीं पता। ठीक है, और एक फिट में कितना क्या होता है उसे कुछ भी नहीं पता। तो ये जो है ये आपको इजीली याद करने के लिए हेल्प करेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ माइल लिखा हुआ है, तो 1 माइल इज इक्वल टू 63360 inches। ठीक है, 1 furlong इज इक्वल टू 7920 inches। ठीक है, सिमिलरली 1 yard इज इक्वल टू 36 inches और 1 feet इज इक्वल टू 12 inches। सिमिलरली ये आ गया कि 8 furlong इज इक्वल टू 63360 inches। या फिर आप लोग अगर फीट के ऊपर देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं 1 furlong में, ये furlong है, 1 furlong में कितने फीट होते हैं, ठीक है, कितने फीट होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 feet इज इक्वल टू 660, 1 furlong इज इक्वल टू 660 feet। ठीक, अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसे भी पढ़ना। ठीक, तो ये हम लोगों ने बात कर ली इंग्लिश स्केल की। अगर अब एक और बात कि अगर इनमें से कोई भी यूनिट आ रही है, चाहे वो माइल आ रही हो, फरलॉन्ग, यार्ड, फीट या इंच, इनमें से कुछ भी यूनिट आ रही है क्वेश्चन में रीड करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, 6 inches का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपली भाषा में हम लोग कह लें, जहां पे भी मैट्रिक स्केल आएगी वहां पे आप 15 centimeters का यूज करेंगे, जहां पे इंग्लिश स्केल आएगी वहां आप 6 inches का यूज करेंगे। ठीक है, और जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी, सपोज यहाँ माइल सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी माइल से छोटी फरलॉन्ग, फरलॉन्ग से छोटी यार्ड, यार्ड से छोटी फीट और सबसे छोटी इंच। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी यूनिट होगी वो प्राइमरी स्केल पे शो करेंगे और जितनी छोटी यूनिट होगी वो सेकेंडरी स्केल पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक आउटलुक दे दिया। अब हमें क्वेश्चन से इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको, कैसे एक स्केल बनाई जाती है, एक सिंपल स्केल कैसे बनाई जाती है, हम उसे ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। चलिए, तो अब बात करते क्वेश्चन की। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रॉ अ सिंपल स्केल ऑफ RF, RF कितना दिया है, 1/7920 RF दिया हुआ है फॉर रीडिंग furlong एंड yards। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि क्या है, furlong और yards को रीड करना है। हमें पता है कि furlong और yards जो है वो इंग्लिश स्केल के यूनिट्स हैं। ठीक है, इंग्लिश स्केल के यूनिट्स हैं। तो अब इतना हमें समझ आ चुका है इंग्लिश स्केल के यूनिट है, तो मतलब 6 inch की लाइन बनेगी स्केल को ड्रॉ करने के लिए, 6 inches की लाइन बनेगी। ठीक, यहाँ में RF दिया हुआ है। ठीक है, सबसे किसी भी स्केल, सिंपल स्केल को ड्रॉ करने के लिए 3 steps बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला कौन सा है, कैलकुलेशन ऑफ RF। कैलकुलेशन ऑफ RF बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेट कैसे होता है RF, मैं बता देती हूँ। पेपर डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। पेपर डिस्टेंस कैसे होती, कितनी होती है, सपोज मैंने ले लिया 1 centimeter, मेरी स्केल का 1 centimeter जमीन पर 2 kilometers या फिर कह लीजिए 20 kilometers रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या कर लेंगे उसको, 1/20। ठीक है, इसी तरह हम लोगों का जो होता है RF निकलता है, RF कैलकुलेट करते हैं। पर यहां पर हम लोगों को क्या है, RF दिया हुआ है। RF क्या दिया है, 1/7920। यहां लिख लेते हैं 1/7920। ठीक है, स्टेप टू क्या कहता है, स्टेप टू कहता है सिंस 1 inch रिप्रेजेंट 7920। ठीक है, जो 1 inch है मेरी स्केल का इंग्लिश स्केल है, तो 6 inches में मेजरमेंट होगी। ठीक है, अगर मैट्रिक स्केल होती तो हमारी 15 centimeters में मेजरमेंट होती। ठीक,
एक इंच है जो हमारा 7920 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो भी आरएफ होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है आरएफ, तो आपको इतना लिखना है, 1 इंच रिप्रेजेंट डैश इंच, ठीक है, आरएफ की वैल्यू। जैसे आरएफ कुछ भी दिया, आपकी जगह एक्स 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 दिया, तो 1 इंच रिप्रेजेंट एक्स एक्स एस इंचेस, ठीक है, जो भी आरएफ दिया है वो लिख लेंगे। उसके बाद देयरफोर 6 इंच विल रिप्रेजेंट। अब हमें क्या करना है, 6 इंच की स्केल बनाते हैं हम लोग, इंग्लिश स्केल को 6 इंच का एक लाइन खींचते हैं, तो 6 इंच कितनी रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन क्या करेंगे, 6 इंच, 6 इंटू आरएफ हमारा कितना दिया हुआ है, 7920 आरएफ दिया हुआ है, अपॉन 7920 निकाल लिया, अपॉन, अब हमें क्या देखना है, इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, हाँ, फरलॉन्ग ज्यादा बड़ी यूनिट है कि यार्ड ज्यादा बड़ी यूनिट है। ऑफ कोर्स फरलॉन्ग ज्यादा बड़ी यूनिट है। तो अगर आपको वो टेबल याद होगा, चलिए मैं पीछे चल देती हूँ, यहाँ देखिए ये टेबल बना हुआ है। अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आप लोग इजीली क्या है कि यूनिट पता कर सकते हैं। सपोज देखते हैं, 1 फरलॉन्ग, ठीक है, 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू हाउ मैनी इंचेस, 7920 इंचेस, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, 1 फरलॉन्ग में 7920 इंचेस होती हैं, ठीक। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7920। अब आपके मन में एक क्वेरी उठ रही होगी कि मैंने यहां फरलॉन्ग से क्यों डिवाइड कर दिया, फरलॉन्ग की यूनिट से क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो हमारी सिंपल स्केल बनती है उसमें जो भी बड़ी यूनिट होती है वो हम प्राइमरी स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी मेजरमेंट होगी, जो भी स्केल बनेगी, वो बड़ी यूनिट जो भी होगी उसके अंडर बनेगी, उसके संदर्भ में बनेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फरलॉन्ग सबसे बड़ी यूनिट है, तो उसका 1 इंच में कितने, 1 फरलॉन्ग में कितने इंच होते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। 6 × 7920 ये आरएफ की वैल्यू है, ठीक है, ये आरएफ की वैल्यू है, और ये नीचे क्या है कि 1 फरलॉन्ग में कितने इंचेस होते हैं, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कितना बचेगा आंसर, 6 फरलॉन्ग, ठीक है, 6 फरलॉन्ग बचेगा। तो ये तो हमने बात कर ली कि कैसे हमने कैलकुलेट किया अपने उसको, अपने मेजरमेंट को, ठीक है, 6 इंच पे हम कितना करेंगे। तो अब बात करते हैं, अब तीसरा स्टेप जो होता है वो क्या है, ड्रॉइंग ऑफ स्केल ड्रॉ करना होगा। आप सबके पास इस टाइप की सिंपल स्केल होगी जो कि हमारी कितना, हमारी 15 सेंटीमीटर की होती है स्केल, ठीक है, सिंपल जो हम लोग डेली यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर की होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नीचे जो होती है वो स्केल नीचे हमारी इंचेस में होती है, ऊपर सेंटीमीटर में, नीचे इंचेस में, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर की होगी और नीचे जो दिए होंगे वो 6 इंच दिए होंगे। तो यहाँ पर, हालांकि यहाँ पे नहीं दिए हुए इंचेस, यहाँ पे सेंटीमीटर में ही है स्केल, तो हम इसको काट देते हैं और ऐसे बनाते हैं अपना स्केल, सिंपल स्केल, ठीक है। तो आप लोग स्केल का यूज करिएगा। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कितना हमारा, कितना हुआ, 6 इंच की लाइन खींचेंगे हम, ठीक है, 6 इंच की लाइन खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होगी, ठीक है, ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ, और यहां 6 इंच की लाइन खींची है, 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है। अब उसके बाद हमने क्या किया था, इस 1 सेंटीमीटर को 0.5 में डिवाइड करके एक मिडल में लाइन खींचा था, ये हमने मिडल में एक लाइन खींच लिया, यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.5 है, ठीक। अब यहाँ क्या आया, 6 फरलॉन्ग। अब हमें हम इसे 6 पार्ट्स में डिवाइडेड कर लेते हैं। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल स्केल का जो डिवीजन होगा वो 3 से कम नहीं होगा और 6 से ज्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी स्केल बनती है, ठीक है। सबसे पहला 1, 2, 3, 4, 5 and 6। आप लोग ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो इनके बीच जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो, ठीक है, इनके बीच जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो। यहाँ तो मैंने अनइक्वल बनाई है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक।
आपके पास स्केल होगी तो आप यहाँ के बीच की 6 को मतलब 6 इंचेस को इक्वली डिवाइड कर लिएगा, जो लीजिएगा 6 पार्ट्स में। ठीक, ये हमने कर ली। अब हम इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इतनी हमारी क्या होगी, प्राइमरी स्केल। प्राइमरी स्केल पे हम क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फरलॉन्ग। फरलॉन्ग तो यहां हम लिख देंगे फरलॉन्ग। ठीक है, यहां मैं FAR लिख दे रही हूं। ठीक, फरलॉन्ग। सेकेंडरी स्केल पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, यहां पे देखिए सेकेंडरी स्केल पे यार्ड्स करेंगे, क्योंकि वो छोटी यूनिट है, यहां कर लेंगे यार्ड्स। ठीक है, तो ये हमने कर लिया यार्ड्स। अब बात आती है कि हमने फरलॉन्ग को तो कर लिया यहाँ पे रिप्रेजेंट, फरलॉन्ग तो रिप्रेजेंटेड हो चुका है, क्योंकि उस क्योंकि बड़ी जो स्केल बनी है वो उसी के अंडर बनी है। ठीक, अब यार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से चलते हैं अपने टेबल की तरफ, ये टेबल। अब इसमें हमें क्या देखना है कि एक एक फरलॉन्ग में कितने यार्ड्स होते हैं। दोबारा से, 1 फरलॉन्ग में कितने यार्ड्स होते हैं, 220 यार्ड्स। अब यहाँ पे मैंने फरलॉन्ग क्यों दिखा, क्योंकि जो स्केल बनी है वो फरलॉन्ग की बनी है, 6 फरलॉन्ग की स्केल है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हमारे को कितने हम लोग क्या निकालेंगे, 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 220 यार्ड्स। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया कि 1 फरलॉन्ग में 220 यार्ड्स होते हैं। अब हम 220 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ 4 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि आप लोग चाहें तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, पर 4 से मैंने इसलिए डिवाइड किया है ताकि जो स्केल बने वो बहुत अच्छी और साफ सुथरी लगे दिखने में। नहीं तो हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, थोड़ा पास पास हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 से डिवाइड नहीं किया है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप स्केल का डिविजन कर रहे हैं तो 3 से कम ना हो और 6 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिवीजन करने पे आएगा 55 आया। तो अब हमें क्या पता चलता है कि जो 220 है इसको हम 4 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें 55 का डिफरेंस होगा। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक बात और इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मेरा थोड़ा ये थोड़ा कम, ये ब्लॉक में स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, पर आप लोग इसको क्या करिएगा, इक्वली डिवाइड करिएगा इन सारे बॉक्सेस को। ठीक है, ये 4 का जो डिवीजन है इसे इक्वली करिएगा इंच के साइड से मेजर करके। ठीक, अब हम यहाँ किस किस कितने कितने का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 55 का होगा। ठीक है, 55, और फिर सेकेंड में कितने का होगा, 55 में 55 ऐड कर दीजिए, 110 मतलब 110 का होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे पे किसका होगा, तीसरे पे होगा फिर से 55 ऐड कर दीजिए, 165, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 220। तो ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। तो ये हो गया डिवीजन, हमने डिवीजन किसका कर लिया, 55, 110, 165 एंड 220। अब ये हमारी स्केल बनकर तैयार है। अब बात है इसका लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम इसको शेड करेंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ पे से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अल्टरनेटली शेड करेंगे, एक ऊपर में एक नीचे में, फिर एक ऊपर में फिर एक नीचे में फिर एक ऊपर में, इसको अच्छे से शेड कर लें। तो ये हमारी आज की वीडियो है। अब एक लास्ट काम बचता है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंड को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज लाएँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ।